हर शब्द अपने आप में इतना शक्तिशाली होता है, यदि आप चाहें तो उन्हीं शब्दों से सृजन कर सकते हैं और चाहें तो नाश भी। फिर चाहे सृजन और नाश नए संबंधों का हो या फिर नए युग का। आजकल सर्वत्र सहनशीलता की कमी है, बात बात पर लोग झगड़ जाते हैं, विवाद पर उतारू हो जाते हैं। कारण शब्दों का प्रयोग, शब्दों का और वचनों का उचित प्रयोग करना सीखिए, आपकी आधी समस्याएं तो वहीं समाप्त हो जाएंगी। शब्द हमारी सबसे बड़ी पूंजी, उनका सोच समझकर भली प्रकार उपयोग करना ही श्रेयस्कर। जो शब्द की महिमा और शक्ति को पहचान गया वो इस सृष्टि के आनंद को भी समझ गया। आप भी समझिए। बताओ तुम्हारे हृदय में क्या है? क्या तुम शाम से प्रेम करती हो, उससे विवाह करना चाहती हो? बताओ लक्ष्मणा, ये अंतिम अवसर है। मुझे मेरा उत्तर मिल गया। रुक जाओ ऋषिसेन। सांप ने बिल्कुल ठीक कहा वृष से, मैं केवल उन्हीं से विवाह करना चाहती, केवल उन्हीं के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती। परंतु जब वो मेरी मनोदशा समझ ही गए थे तो मुझे छोड़ के गए ही क्यों? बाहर देखो। एक दूसरे को देखने के लिए बहुत समय मिलेगा लक्ष्मण, परंतु एक दूसरे के साथ जाने के लिए समय कम है। शीघ्र तैयार हो जाओ। तैयार? परंतु किस लिए? अब इसका निर्णय मैं लूंगा कि किसको क्या मिलेगा। आपने मेरे पिता को पराजित किया था कुरु कुमार, मुझे नहीं। हल किया गया था मेरे साथ। ब्रह्मास्त्र ये प्रतिद्वंद्वी के सबसे बड़े शत्रु का भय उसके समक्ष उत्पन्न कर देता है। ब्रह्म का उपयोग करके मुझे युद्ध से वंचित किया गया और युद्ध का ये नियम है, जो पराजित नहीं वो अधीन नहीं। इसलिए ये भेंट देने का मुझे अधिकार है। पांचाल की यही नीति है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, स्वीकार करो अभी अभी इसी क्षण इसी सभा में ये निर्णय हो जाएगा कि कौन किसको पराजित कर सकता है। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी अंगराज, विवाह के समारोह में कोई भी विकट परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उसका परिणाम भी विकट ही होगा। मैंने भी चेताया था कि मैं यहाँ केवल अतिथि बनकर आया हूँ, परंतु परिस्थिति उत्पन्न हुई तो उत्तर अवश्य मिलेगा। ठहरो, यहां कोई युद्ध नहीं होगा।
मत भूलो कि ये अभिमन्यु का विवाह है। भीम, अर्जुन, कम से कम तुमसे मुझे ये आशा नहीं थी। मैंने केवल हस्तिनापुर का अधिकार प्रस्तुत किया है और कुछ नहीं। आप ही बताइए, पांचाल पर अब भी मेरा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार नहीं है? यदि अधिकार की बात है तो कहां है इंद्रप्रस्थ, जिस पर अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमारा अधिकार होना चाहिए था। कैसा अधिकार? क्या तुम्हारी स्मृति पे 13 वर्ष के समय ने धूल जमा दी है दुर्योधन? क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि शर्त यह थी कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण होते ही हमें फिर से हमारा छीना हुआ राज्य वापस मिलेगा और ज्येष्ठ युधिष्ठिर फिर से सम्राट बन जाएंगे। मामा जी, आपने सुना विक्रोधर भीम ने क्या कहा है? अधिकार? मेरी स्मृति पर कोई धूल नहीं जमी है विक्रोधर, परंतु तुम्हारी अवश्य प्रखर हो गई है। क्योंकि मेरी गणना के अनुसार तुम्हारा ज्ञातवास तुम्हें पहले ही भंग कर चुका हूं, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। और वैसे भी विराट युद्ध में मैं पहले ही घोषणा कर चुका हूं केंद्रप्रस्थ पर अब भी मेरा दुर्योधन का अधिकार है। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो करना है कर लो, जाओ। अरे कोई जाओ, इस बड़बोले को भोजन कराओ, पेट भरा ना हो ना तो प्रलाप करने लगता है। जाओ भोजन करके आओ, जाओ। बस दुर्योधन, अब मेरा पेट तेरे दम से भरेगा। सावधान दुर्योधन। मैं भूल गया था, योद्धा से पहले प्रहार सैन्य उसकी ठार आती है। क्षमा कर दो साहब, मेरे कारण आपको बहुत ठेस पहुंची ना। तुमने सोच भी कैसे लिया, मात्र तुम्हारे कह देने से साम तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। लक्ष्मणा, अपने कक्ष में जाओ। लक्ष्मणा, आप यदि कहीं जाएगी
तो केवल मेरे साथ। अंततः तुमने अपने पिता के लक्षण दिखा ही दिए सांप। इसके विपरीत मैंने जो लक्षण दिखाए वो मेरे होने वाले ससुर आपके ज्येष्ठ युवराज दुर्योधन में है। मौन रहो मूर्ख, ये मत भूलो कि तुम किसके समक्ष खड़े हो। दुशासन नाम है मेरा, जो आज तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड देगा। श्रेयस्कर यही होगा। तुम इस प्रकरण से बाहर रहो कर्ण, ये राजपुत्रों का प्रकरण है, तुम जैसे सूत पुत्रों का नहीं। ये भूमि के अधिकार की बात हो रही है, रथ की रास थामने की नहीं। मैं केवल एक ही भूमि जानता हूं और वो है रणभूमि, जिस पे प्रत्येक योद्धा का अधिकार होता है। चाहे तुम जैसा भगोड़ा राजपुत्र हो या मेरे जैसा सुलपुत्र। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे योद्धा होने का भ्रमित तोड़ देता हूं। देखो तो सही, रथ की रास थामने वाले हाथ कितनी देर तक मेरे समक्ष अस्त्र थामे रह सकते हैं। जानता था मैं तू कट्टर धनुर्धर है, अवसर पाते ही दूर जाकर प्रहार करेगा। वीरों की भांति सामने खड़े होकर युद्ध करने का ना तुम्हें साहस है ना ही बल। अपने बल और साहस का परिचय उस दुर्जय योद्धा को दो बार दे चुका हूं मैं, जिसे तुमने छल से मारा था। जरासंध, क्यों ना आज तुम्हें भी जरासंध का स्मरण करा दूं। मेरी भतीजी से अपना हाथ दूर हटा छलिया पुत्र, मैं तुझे अंतिम चेतावनी देता हूं, लक्ष्मणा का हाथ छोड़ दे।
मानव यहाँ क्या कर रहा है? कौन है ये? तुम दोनों अभी तक यहीं हो? अब यहाँ से निकल पाना बिल्कुल संभव नहीं होगा। यहाँ हर द्वार पर विराट नगर के सैनिक हैं और उनके ठीक पश्चात हस्तिनापुर की सेना। अभी यहाँ से छिपकर जाने का कोई मार्ग नहीं है। तब तो केवल एक ही मार्ग शेष है, हमें सबके मध्य से निकलना। ये कौन है? जो भी हो, वरदान इस समय हमारे लिए, सब इसमें व्यस्त है। रुको मत, चलती रहो। साम, लक्ष्मणा अर्थात पंछी दाना चूक गया। तुम्हारे पिता को कितना गर्व होगा साम, महान वासुदेव का महान पुत्र कितने महान प्रयोजन को लक्षित कर रहा है। बस शीघ्रता से निकलना मूर्ख। ए, तुम ना इस सभा में आमंत्रित हो और ना ही युद्ध में तुम्हारा आवाहन किया गया है। तुम हमारे मध्य आने वाले मूर्ख कौन हो तुम? मैं महाबली वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हूँ। स्वागत है घटोत्कच, मायावी घटोत्कच। मेरे पिता पर शस्त्र उठाकर तूने भूल ही नहीं अपराध किया है। अब उसका दंड भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। मैं तुम क्षति नहीं पहुंचाना चाहता भीम पुत्र। ये तुरंत मेरे और तुम्हारे पिता के मध्य है, तुम इससे दूर रहो। कैसे दूर रहूं अंगराज? मेरी समस्या ये मेरा विशाल शरीर है जो इतना बड़ा है, मैं कहीं भी चला जाऊं पर दूर नहीं रह सकता।